आपके किचन गार्डन में थोड़ी सी जगह है, तो मेरा सजेशन ये है कि आपके कुछ पोर्शन किचन गार्डन को आप ऑर्गेनिक वेजिटेबल फार्मिंग के लिए यूज़ करिए, जिससे कि आपके घर में ताज़ी ऑर्गेनिक सब्जियां अवेलेबल। लेकिन हम ज़मीन पे जब हम ऑर्गेनिक सब्जी उगाते हैं तो हम केवल खोद के और सीधे है ना पौधे नहीं लगाते हैं, हम ये इजरायली टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इसको कहते हैं रेस्ड बेड फार्मिंग सिस्टम। रेस्ड बेड फार्मिंग सिस्टम में मिट्टी को ऊपर ऐसे चढ़ाया जाता है, इसको कहते हैं रेस्ड बेड। और इसके अंदर ये जो है यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा हुआ है। तो पहले मिट्टी को इकट्ठा करते हैं, उसके ऊपर दो पैरेलल लाइंस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की लगाई जाती हैं, जिससे कि बूंद बूंद से आपके सब्जी के पौधे में है ना पानी चला जाए। और फिर इस पूरे को ये मल्च शीट में कवर कर देते हैं। ये मल्च शीट में कवर करने का मेन कारण ये है कि अपना जैसे किचन गार्डन होता है उसमें ऑलरेडी पहले से घास लगी हुई होती है, अगर हम इसको मल्च शीट से कवर नहीं करेंगे तो ये जो सब्जी के पौधे हैं इनके बीच में भी है ना घास उग जाएगी। और ये घास जो होती है वो बहुत ही है ना स्ट्रांग होती है, वो सब्जी के पौधे को अच्छी तरीके से ग्रो नहीं होने देगी। तो किचन गार्डन में अगर हमारे को ऑर्गेनिक सब्जी उगानी है तो हम इस तरीके से रेस्ट बेड बना के और खूब सारी अपनी ऑर्गेनिक सब्जियां उगा सकते हैं। एक रेस्ट बेड जो है वो 20 फुट लंबी और 2 फुट चौड़ी होती है, और एक के अंदर करीब 40 पौधे जो हैं वो लग जाते हैं। तो अगर आपके किचन गार्डन में ऐसी अगर 5 रेस्ट बेड भी बन जाएं तो भी आपके घर में खूब सारी ऑर्गेनिक सब्जियां आना चालू हो जाएंगी।